अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी पाई एक्सेप्टर लिगेंड की। ठीक है, वो हमने उसको देखना है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं वो उनको किस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली स्टडी कर सकते हैं, या उनके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। देखें, जब हम किसी चीज़ का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि या तो हमने उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, ठीक है, उसके अंदर बॉन्डिंग का पता चलाना है कि बॉन्ड किस तरह के हैं, कितने हैं, कौन सा मजबूत है, कौन सा वीक है, स्ट्रक्चर उसका किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह की दूसरी उसकी जो फीचर्स हैं उनको पता चलाने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर का पता चलाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जिसमें एक एक्सआरडी बड़ी मशहूर टेक्निक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी भी कहते हैं। तो इस तरह से एक जो ना वो आईआर को भी कर सकते हैं, जो हमारे पास होती है दूसरी एनएमआर वगैरह सारी टेक्निक्स। लेकिन ये जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं इनको स्टडी करने के लिए सबसे जो यूजफुल टेक्निक है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके अंदर एक चीज पाई जाती है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, कार्बोनाइल जिसको हम कहते हैं। और कार्बोनाइल के अंदर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो क्या पाई जाती है, वाइब्रेशन। ठीक है, वो वाइब्रेशन जो होती है वो आईआर एक्टिव होती हैं। आईआर एक्टिव मीन के उनके अंदर पोलैरिटी का चेंज आता है। आईआर ऐसी वाइब्रेशन जिनके दौरान पोलैरिटी में डाइपोल मोमेंट में चेंज आए उसको हम आईआर एक्टिव वाइब्रेशन कहती हैं। ठीक है, एक तो ये आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरा ये एक जो जिस रीजन में अब्जॉर्प्शन देती हैं वो तकरीबन कह लें कि आप ये 2147 से लेके 1700 समथिंग इस रीजन में जो ना वो अब्जॉर्प्शन देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इसको स्टडी करना जो होता है वो क्या होता है, आसान होता है। तो बेसिकली जब हम मेटल कार्बोनाइल की स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ इस बॉन्ड को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें आईआर का एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और उसको स्टडी किस तरह से करते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज जो मैंने जहाँ से बात शुरू की है कि हम हमारा फोकस इस बॉन्ड पे होता है, कार्बन ऑक्सीजन के इस बॉन्ड के। ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है ये वाइब्रेशन रेडिएशन अब्सॉर्ब करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि इंफ्रारेड रीजन में होती है। ठीक है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो होता है ना वो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये है ना, इसका दूसरा नाम एक होता है फंक्शनल ग्रुप स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि ये मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप की पहचान करने में हमारी मदद देती है। मतलब फंक्शन ग्रुप जो आमतौर पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी होता है, डबल बॉन्ड अल्कीन वाला, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। तीन बॉन्ड है, एक तो मेटल का कार्बन के दरमियान है और दूसरा जो है वो कार्बन का ऑक्सीजन के दरमियान है। ठीक है, दो ठीक तरह है, के बॉन्ड है दो तरह के और बॉन्ड है। ठीक दोनों में डाइपोल मोमेंट हो गए, तो फिर दोनों बॉन्ड जो वो आईआर को अब्सॉर्ब करेंगे ना। दोनों करेंगे, लेकिन दोनों की जो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्ब करेंगे ना वो डिफरेंट रीजन में होगी, फर्क ये होगा। लेकिन उसमें ये होगा कि जो होगा ना, ये जो हम स्टडी करेंगे, जो हमारे लिए स्टडी करना आसान है, कि ये वाली जी है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली, ये सी ओ वाली है। वजह ये है कि इसका एक मखसूस रीजन है, ये पाई जाती है 2100, मतलब 2100 से 2200 के दरमियान, जो पर सेंटीमीटर। आपने वेव नंबर का जी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना? सर पढ़ा हुआ। हाँ, वेव नंबर जो आईआर जो स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है ना इंफ्रारेड रेडिएशन में, उसको हम वेव नंबर में शो करते हैं। आमतौर पे जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें आप एब्जॉर्बेंस लेते हैं और आप नीचे वेवलेंथ शो करते हैं, ठीक है ना, कि किस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस शो करने के लिए हम वेवलेंथ की बजाय वेव नंबर का जो ना वो यूज करते हैं वैल्यूज। अच्छा, तो खैर, मैंने यहाँ से शुरू की थी कि जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर देखें, हमने कहा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है स्प्रिंग को खींचना। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पर इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने उसको खींचना है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास बैक वक्त दो स्प्रिंग है उनको खींचना है, और एक चीज जो है वो तीन स्प्रिंगों से जुड़ी हुई है उसको खींचना, तो जाहिर है जहां पर तीन स्प्रिंग है उनको अपनी तरफ खींचने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है,
और ट्रिपल बॉन्ड है कोई से भी दो एटम्स के दरमियान, मिसाल के तौर पर चाहे वो कार्बन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ही क्यों नहीं है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, और अगर तीनों जगह पे वाइब्रेशन तो सेम एटम्स के दरमियान है लेकिन उस वाइब्रेशन की एनर्जी का फर्क हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए कम, और सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। उसी हिसाब से उनकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की सलाहियत है ना, उसका भी फर्क पड़ जाएगा कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जज्ब करती हैं। जाहिर है कम एनर्जी वाली करेगी वो ज्यादा वाली, और ज्यादा वाली तो एनर्जी ज्यादा होगी तो वेव नंबर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक सादा सा जो ना वो इसमें कॉन्सेप्ट था। लेकिन खैर अब अपने टॉपिक पे आता हूँ कि हाईएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टडी में किस तरह से मदद करती है। देखें तो हमने कहा कि रेडिएशन वो सारा हमने बेसिक डिस्कस कर ली। अच्छा अब आईआर की जो एक्टिव वाइब्रेशन है ना, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सीओ है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल ये सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, गैशियस स्टेट में जब इसका बॉन्ड किसी के साथ नहीं बना हुआ, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका जब हम आईआर एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक वाइब्रेशन आती है, या मतलब यूं कहने कि एक फ्रिक्वेंसी आती है जिसमें ये जो ना वो 2143 पर सेंटीमीटर पे जो है एक एब्जॉर्बेंस शो करता है, एक बैंड शो करता है, एक पीक शो करता है, ठीक है ना, पीक का लफ्ज यूज करते हैं हम उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां पे अब्सॉर्बेंस हो रही हो उस जगह पे हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पीक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट बात मैं कर लूं, आपने दो तरह का शायद स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, एक अब्सॉर्बेंस स्पेक्ट्रम होता है, एक ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रम होता है। अब्सॉर्बेंस स्पेक्ट्रम हमें ये शो करता है कि कौन सी रेडिएशन जो है ना वो मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो रही है, वो वहां पे पीक होती है, ठीक है, और ट्रांसमिटेंस अब्सॉर्बेंस का उलट होता है। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कि वो वाली जो ना वो ट्रांसमिटेंस वो वाली रेडिएशन होती है जो ट्रांसमिट हो रही है, जो अब्सॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है, इसका मतलब जो मैक्सिमम अब्सॉर्ब होती है वो मिनिमम ट्रांसमिट होती है, ठीक है, मतलब उसकी ट्रांसमिटेंस मिनिमम होती है। तो आईआर जो स्पेक्ट्रम होता है ना ये हम ट्रांसमिटेंस शो करते हैं। मसलन ये देखिए ये जो ऊपर लाइन है ना लाल रेड कलर की, ये जो आपको नजर आ रही है ये वो रेडिएशन है जो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं हो रही, ये सारी की सारी ट्रांसमिट हो रही है 100%, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे नीचे की तरफ दो ऐसे तकोन सी बनी हुई है ऐसे, ये वाला ये जो है ना ये अब्सॉर्बेंस है, और ये अब्सॉर्बेंस का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसमिटेंस या जो बाकी बची वाली रेडिएशन है वो ना होने के बराबर है, यहाँ पे अब्सॉर्बेंस मैक्सिमम है, ठीक है, जहाँ पे अब्सॉर्बेंस मैक्सिमम होगी वहां पे ट्रांसमिटेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि फर्ज करें आपके पास एक रेडिएशन थी, उसकी वेवलेंथ थी 600, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, 600 वाली जो है ना वो फर्ज करें जी 80% अब्सॉर्ब हो रही है, 80% क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 20% उसकी क्या हो रही है, अब्सॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है, 80% अब्सॉर्ब हो रही है और 20% अब्सॉर्ब नहीं हो रही। अब अगर हम 80 को शो करते हैं ना जिस ग्राफ में, वो ग्राफ होगा अब्सॉर्बेंस का जिसमें हम शो करेंगे कितनी अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है, और अगर किसी ग्राफ में हम ये शो करते हैं कि भाई ये कितनी अब्सॉर्ब नहीं हुई, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने एक ग्राफ बनाया इसमें मैं शो करता हूँ कि कितनी अब्सॉर्ब नहीं हुई, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो वो अब्सॉर्ब जितनी नहीं हुई वो कहाँ पे आएगी, 20 पे आएगी, ठीक है, और जहां पे बिल्कुल नहीं अब्सॉर्ब हुई वो कहाँ पे आएगी, 100 पे आएगी या ऊपर आएगी टोटल, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा ना इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेंस का, ये एक हमारा स्पेक्ट्रम है या तो बहरहाल, तो आईआर स्पेक्ट्रम जो है ना एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें एक किस वेव नंबर पे देता है, 2143 पर सेंटीमीटर, 2143 पे जो ये अब्सॉर्प्शन दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से देता है, और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता है गैसियस फॉर्म में तो उसका जो ना कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसकी इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो आम तौर पे जो अब्सॉर्प्शन होती है वो 2143 पर सेंटीमीटर वेव नंबर पे होती है। ये उसका एक टिपिकल ग्राफ शो किया गया है कि वो यहाँ पे जो ना वो इस तरह से एक पीक देता है, ठीक है। अच्छा लेकिन अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसमें वेरिएशन आती है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आएगी,
ठीक है, वो तब्दीली क्यों आएगी वो उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक बात सिर्फ याद रखनी है कि जितनी भी हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर पढ़ेंगे उसमें सारी हमारी जो डिस्कशन है वो इस बॉन्ड के इर्द गिर्द होगी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसमें जो चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस की वजह से उसके अब्सॉर्प्शन पे जो फर्क पड़ता है उसको हमने जो है ना वो स्टडी करना है और उसको हमने देखना है कि वो क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने स्ट्रक्चर में देखा हुआ है कि हमारे पास दो तरह के कार्बोनाइल होते हैं, एक मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल होते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल होते हैं, और जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल है इनमें सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं कार्बोनाइल वो टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं, और एक आम तौर पे एक जो टर्मिनल कार्बोनाइल है वो 2125 से लेके 1850 पर सेंटीमीटर तक जो है ना वो एब्जॉर्प्शन देता है, मतलब एक मेटल का जो कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जो हम फर्ज करते हैं कि पहले एक ट्रिपल बॉन्ड और इसका सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड की जो वेरिएशन है इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो 2125 से 1850 तक चेंज होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो चेंज आती है कि कोई कई ऐसे बॉन्ड है जो 2125 पे करते हैं, कोई कुछ ऐसे है जो 1700 पे करते हैं, कुछ 1800 पे करते हैं, ये चेंजेस क्यों आती हैं। ठीक है, तो इसकी जो ये जो चेंजेस है ना ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही हैं। नंबर वन ये डिपेंड करती हैं कि मेटल के साथ कितने लिगेंड अटैच हैं और कौन कौन से लिगेंड अटैच हैं। ठीक है, नंबर वन ये है कि मेटल के साथ कौन कौन से लिगेंड अटैच हैं और कितने अटैच हैं, और दूसरी चीज के वो बैक डोनेशन कितनी हो रही है। ठीक है ना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं इनको देखिएगा कि देखिए बैक डोनेशन कैसे इफेक्ट करती है। अब मैंने बात की है कि कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है जब वो इंडिपेंडेंट फॉर्म है, लेकिन जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहता है हमें पता है पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को। अब उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल जो होती है वो बैक डोनेशन करती है, अपना पाई बॉन्ड बनाती है एक कार्बन के साथ। अच्छा, अब क्या होगा कि जब जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनना शुरू होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन के तो पांचवा बॉन्ड बनना शुरू हो गया, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इस जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड बनना शुरू होता है कार्बन और ऑक्सीजन का जो तीसरा बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है। मतलब यूं है कि जैसे जैसे मेटल की तरफ से कार्बन को बैक डोनेशन होती है वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। जितनी बैक डोनेशन ज्यादा होगी उतना ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक होता रहेगा, जितनी बैक डोनेशन कम होगी उतना ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एक वीक बॉन्ड की निस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पे बैक डोनेशन ज्यादा होगी ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक होगा, बैक डोनेशन ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो वीक होने से क्या होगा कि उसके लिए स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है एब्जॉर्प्शन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्रिक्वेंसी से मुराद मतलब वेव नंबर ही हम उसको कहते हैं, उससे मुराद फ्रिक्वेंसी ही होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी डिक्रीज करती है। दूसरी तरफ क्या है कि जैसे जैसे उसकी एब्जॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी जो है वो सॉरी बैक डोनेशन जो है वो अगर कम होगी तो बैक डोनेशन कम होने से क्या होगा कि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसमें वीकनेस नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। मतलब शॉर्टली हम कह सकते हैं कि बैक डोनेशन बढ़ने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करती है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी बैक डोनेशन ज्यादा होगी उतनी जो ना वो डिक्रीज जो ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी बैक डोनेशन नहीं होती क्योंकि बैक डोनेशन की वजह होती है नेगेटिव चार्ज मेटल पे। जब बैक डोनेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन का बैक डोनेशन अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही तो ये ट्रिपल बॉन्ड ही है। ठीक है, जब बैक डोनेशन नहीं हो रही या कम हो रही है तो ये ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैगनेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एब्जॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी 2090 पे है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे क्रोमियम न्यूट्रल है कार्बोनाइल की तादाद उतनी है तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 2000 पे है, इसकी कम है। उसकी वजह यह है कि जो क्रोमियम में बैक डोनेशन थोड़ी ज्यादा है किसकी निस्बत, मैगनेस की निस्बत। इसी तरह देखें जैसे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा मेटल पे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी बैक डोनेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी बैक डोनेशन ज्यादा होगी उतना कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा कमजोर होगा, वीक होगा। ट्रिपल बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी और उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो मिसाल के तौर पर वैनेडियम जो है इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये छोटा सा नजर आ रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके एब्जॉर्प्शन जो है वो 1860 पर सेंटीमीटर पे चली जाती है। तो ये इसमें
अगर हम इसको समराइज करें कि जो कार्बन मोनोक्साइड है वो हमने पढ़ा कि वो 143 पे एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ तब उसमें वेरिएशन आती है। वेरिएशन किस बुनियाद पे आती है? नंबर वन के बैक डोनेशन कितनी है मेटल की, जितनी मेटल की तरफ से कार्बन को बैक डोनेशन ज्यादा होगी उतनी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करके ना तो हम बता सकते हैं कि बैक डोनेशन जो ना वो कितनी हो रही है। मिसाल के तौर पे देखें ना, हम स्टडी करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को, ठीक है, लेकिन उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड कितना मजबूत है, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले मैंने डॉटेड लगाए ये डबल बॉन्ड और इधर ये भी डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड, हाँ इसको पार्शियल कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है मेटल कार्बन का डबल बॉन्ड, वैसे वैसे ये वाला वीक होता है। बहरहाल तो ये इसमें एक जो ना वो पहली चीज आता है जी। तो अब दूसरी बात ये हमने पढ़ ली, अब उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे जैसे बैक डोनेशन ज्यादा होगी अब्सॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि बैक डोनेशन ज्यादा होने से कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो वीक होता है, डबल बॉन्ड की तरफ आता है, बॉन्ड वीक होगा तो उसको स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कम होगी, तो उसकी अब्सॉर्बेंस की फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। अब इसी तरह से हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखा, अगर ऐसा हो कि एक जो लिगेंड है, ठीक है, एक ऐसा लिगेंड आ रहा है जो पाई एक्सेप्टर नहीं है, जो अभी सवाल भी हुआ कि देखिए यहाँ पे जो क्रोमियम है ना उसका उसके साथ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, उन 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करने में से 3 तो कार्बोनाइल ने दिए हुए हैं, 3 जो है वो डाइईन ने दिए हुए हैं, इथाइलीन डाइमाइन जिसको हम कहते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर इसने दिए हुए हैं। अच्छा अब क्या हुआ कि जो डाइईन है ना ये पाई एक्सेप्टर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो सिर्फ पाई एक्सेप्टर कौन है? कार्बोनाइल और 3 कार्बोनाइल है। अब हमारे पास दो सूरत हाल है, ये यहाँ पे देखें, एक तरफ हमारे पास ये सूरत हाल है कि 6 के 6 पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़े हुए हैं क्रोमियम के साथ, और एक ये सूरत हाल है जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है जिसमें सिर्फ पाई एक्सेप्टर 3 है, पाई एक्सेप्टर बैक डोनेशन एक्सेप्ट करने वाले सिर्फ 3 है। तो जाहिर है जहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले कम होंगे वहां पे एक्सेप्ट जो ना वो बैक डोनेशन ज्यादा होगी, वहां पे जो ना वो बैक डोनेशन ज्यादा होगी, और बैक डोनेशन ज्यादा होने से वहां पे अब्सॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तीसरा पॉइंट था कि मैंने कहा है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है उसमें फर्क आता है, कैसे फर्क आता है, अगर तो बैक डोनेशन बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जितना बढ़ेगी उतना फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्बेंस की कम होती जाएगी, और जितनी बैक डोनेशन कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी मेटल कार्बोनाइल जो एक कॉम्प्लेक्स है उसको स्टडी करने के लिए, हमने उसमें देखना है कि भाई उसमें हमें ये इस पीक ने इस अब्सॉर्प्शन ने ये बताना है कि यहाँ पे कार्बोनाइल मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो वो किस सूरतेहाल में, टर्मिनल कार्बोनाइल है या ब्रिज कार्बोनाइल है। तो बेसिकली जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए पढ़ते हैं, हम किसी चीज का स्ट्रक्चर समझने के लिए पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब बेतहाशा इस्तेमाल इसका है ना, कि जब आप खैर आईआर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करने के लिए हम पढ़ते ही इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सादा सा एनालिसिस करते हैं हमें पता चल जाता है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो बहरहाल फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी का पता चलाने के लिए, उसके इन्वायरमेंट का पता चलाने के लिए हमें ये जो ना वो मदद देती है। तो यहाँ पे मैंने एक वो टेबल भी बना दिया कि अगर जो सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसकी अब्सॉर्प्शन यहाँ पे होती है, लेकिन अगर जो बॉन्डेड जो होगी और जिसमें बैक डोनेशन नहीं होगी उसकी यहाँ पे होती है, जो जिसमें बैक डोनेशन होगी ठीक है यहाँ पे जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा बैक डोनेशन ज्यादा हो जाएगी तो अब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, बैक डोनेशन और ज्यादा हो जाएगी मतलब नेगेटिव 2 चार्ज आ गया है तो अब्सॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी और भी कम होती जाएगी। तो बेसिकली इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये एक सिंपल सा एक ग्राफ बना हुआ है जो कि ट्रांसमिटेंस को यहाँ उसको शो कर रहा है, ये 1875 पे ये है। तो ये थे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स में आपको पता है कि उसमें 2 तरह के कार्बोनाइल होते हैं जो हमने स्ट्रक्चर कल पढ़े हैं, ठीक है, हमने कहा उसमें टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं और ब्रिज कार्बोनाइल होते हैं, ठीक है ठीक है। तो इन दोनों किस्म के कार्बोनाइल्स की जाहिर है कि उनकी जो अब्सॉर्बेंस की फ्रिक्वेंसी है उसमें फर्क होगा। फर्क किस वजह से होगा वो उसके लिए हमने एक सीक्वेंस बताया, पहले तो एक सीक्वेंस देखे ना कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना अब्सॉर्ब करने की वो होगी इसकी टर्मिनल की,
उसके बाद जो दो के साथ ब्रिज है उसकी, और उसके बाद जो जो ना वो तीन के साथ ब्रिज है उससे कम उसकी होगी, सबसे कम एनर्जी। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उसकी ब्रिजिंग ज्यादा होती जा रही है ना, तो उसकी अब्सॉर्ब करने की जो एनर्जी है वो भी कम होती जा रही है। उसकी रीजन सिंपल सी रीजन है कि देखें, जो कार्बोनाइल एक मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ ना, ये वाला यहाँ पे कार्बोनाइल एक मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको एक जगह से बैक डोनेशन हो रही है। दूसरी तरफ ये कार्बोनाइल दो मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बैक डोनेशन दो का मेटल एटम कर रहे हैं, और इसकी बैक डोनेशन जो ना वो तीन मेटल एटम कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे तीन मेटल एटम बैक डोनेशन कर रहे हैं वहां पे बैक डोनेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। बैक डोनेशन ज्यादा होने से क्या होगा कि वो जो ट्रिपल बाउंड करेक्टर है वो कम होता रहेगा, और अब्सॉर्बेंस की फ्रिक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर एक जनरल एक बात अगर हम करें, तो जहां पे ब्रिज कार्बोनाइल हो जिसमें दो मेटल एटम के साथ ब्रिज बना हुआ है, देखिए तीन मेटल एटम वाला भी ब्रिज होता है कि एक कार्बोनाइल बैक वक्त तीन मेटल एटम के साथ ब्रिज भी बना सकता है, ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो जहां पे दो के साथ उसका सिर्फ ब्रिज बना, जो हमने कल देखे थे ज्यादातर, जिसमें एक कार्बोनाइल जो होता है वो दो मेटल एटम के साथ ब्रिज बनाता है, तो उसकी जो आमतौर पर रेंज है अब्सॉर्बेंस की वो इस रेंज में होती है 1900 से 1750 के दरमियान, और जहां पे जो तीन के साथ बनता है उसकी 1800 से 1600 के दरमियान होती है, मतलब उसकी रेंज कम हो जाती है। नीचे एक छोटी सी डायग्राम भी बनी हुई है जहां से आपको इस चीज का आइडिया हो सकता है कि ब्रिजिंग होने से। अब इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि अगर हम किसी, हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मुशाहिदा करते हैं, तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि नंबर वन कि इसके स्ट्रक्चर में ब्रिज कार्बोनाइल मौजूद है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर तुम्हारे पास दो तरह की पीक आ रही है, ये आगे मैं आपको एक डायग्राम बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की पीक आ रही है, एक पीक आ रही है ये 2000 यहाँ पे करके यहाँ पे, और एक पीक आ रही है ये नीचे 1800 कुछ पे, ठीक है। तो ये जो छोटी दोनों पीक हैं कार्बोनाइल की, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ कार्बोनाइल ही देता है, तो यहाँ से हम ये आइडिया लेते हैं कि ये जो पीक आ रही है ना 2000 से थोड़ा ऊपर 2100 की तरफ जाते हुए, तो ये जो पीक है ये किस वजह से है, ये टर्मिनल कार्बोनाइल की वजह से है, और ये जो 1800 के करीब है ये किसकी वजह से, ये ब्रिज कार्बोनाइल की वजह से है। तो इस कंपाउंड में टर्मिनल कार्बोनाइल भी मौजूद है और ब्रिज कार्बोनाइल भी मौजूद है। अगर हमारे पास इनमें से फर्ज करो ये वाली पीक ना होती 1800 वाली, तो इसका मतलब ये होना था कि इसके अंदर सारे के सारे कौन से हैं, टर्मिनल कार्बोनाइल मौजूद है। तो इस तरह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इनके स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद देती है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन ये है कि हम मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड के नेचर को समझ सकते हैं, बैक डोनेशन का पता चल जाता है, कितने लिगेंड दूसरे अटैच है उनका पता चल जाता है, मेटल पे चार्ज क्या है वो पता चल जाता है, ठीक है, टर्मिनल और ब्रिज कार्बोनाइल्स की मौजूदगी का हमें पता चल जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बदौलत, ठीक है। तो ये सारी इसमें जो ना वो चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, ये चार्ज का बता देंगे किस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज और मेटल का देखा ना, वो आपने देखा नहीं था ये वाली एग्जांपल यहाँ पे ये टेबल में, कि अगर किसी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो कार्बोनाइल की जो अब्सॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी है ना वो ज्यादा हो जाती है, और अगर किसी मेटल में नेगेटिव चार्ज है तो अब्सॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ से हम मेटल पे चार्ज का पता चला लेते हैं कि मेटल के ऊपर चार्ज है या नहीं है। ये देखे ना, नजर आ रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो और कम हो गई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो बढ़ गई है, 2000 पे चली गई है अब्सॉर्बेंस फ्रीक्वेंसी।